कौन है एसडीएम जयदीप मौर्या जिनके प्रति आलोक ने लगाया चीटिंग का आरोप, जानिए पूरी कहानी। एसडीएम जयदीप मौर्या और उनके प्रति आलोक मौर्या के बीच विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जयदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एसडीएम जयदीप मौर्या पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। जयदीप मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच जयदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पति आलोक को अशब्द बोलती हुई नजर आ रही है। चलिए जानते हैं कौन है एसडीएम जयदीप मौर्या। जयदीप मौर्या उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली है। इसके पिता एक छोटे सी दुकान चलाते हैं। जयदीप की शादी साल 2010 में आलोक के साथ हो गई थी। उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी। आलोक मौर्या के साथ शादी के बाद जयदीप ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। जयदीप मौर्या पढ़ने में अच्छी थी। उनकी पढ़ाई को देखते हुए पति आलोक मौर्या ने उन्हें प्रयागराज UPSC की कोचिंग के लिए भेज दिया। साल 2015 में जयदीप का PCS में चयन हुआ। जयदीप ने PCS में 16वीं रैंक हासिल की थी। उसी दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और अपने पति को दिया था। बात करें एसडीएम जयदीप मौर्या के बच्चे की तो जयदीप और आलोक के दो जुड़वा बेटियां हैं जो जयदीप के साथ रहती है। जयदीप PCS बनने के बाद जौनपुर, कैसाबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी है। अभी वह बरेली के शुगर मिल में GS के पद पर तैनात है। जयदीप मौर्या और आलोक का विवाद साल 2020 से है। दरअसल आलोक मौर्या उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जबकि उनकी पत्नी जयदीप मौर्या बरेली में तैनात PCS अधिकारी हैं। आलोक का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी एसडीएम जयदीप मौर्या और उनके परिवार में मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। आलोक का आरोप है कि जयदीप मौर्या गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों को उन्होंने लखनऊ के एक होटल में एक साथ पकड़ा भी है। फिलहाल इन दिनों एसडीएम जयदीप मौर्या और आलोक मौर्या का यह विवाद काफी सुर्खियों में है।